अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी मूंगफली की चिक्की। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले एक टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। अब ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी एक कप गुड़ और इसको मैं अच्छे से मेल्ट कर लूंगी। गुड़ मेल्ट होने के बाद अब मैं इसको 5 मिनट और पकाऊंगी ताकि इसमें तार बने, और जैसे ही इसमें तार बनेगी तो मैं इसमें आधा कप मूंगफली डाल दूंगी। अब यहाँ पे इसमें मैं आधा कप मूंगफली डाल रही हूँ। मूंगफली को मैंने छील के उसके छिलके उतार लिए थे, और बस अब मैं इसको जल्दी से एल्यूमिनियम फॉइल पे रख दूँगी। एल्यूमिनियम फॉइल को मैंने पहले से ही ग्रीस किया हुआ है। अब मैं इसको एल्यूमिनियम फॉइल पे फैला दूँगी और फिर मैं इसमें कट्स लगा दूँगी। कट्स लगाने के लिए मैंने छुरी को ऑलरेडी ऑयल से ग्रीस किया हुआ है, और छुरी मैंने तेज़ ली हुई है ताकि मूंगफली भी कट सके इससे, वरना फिर जो है वो सही से कट्स नहीं लगते। कट्स लगाकर मैं इसको रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। और अगर आप भी चाहें तो आप भी एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐसे नहीं होता कि जैसे प्लेट में चिपक जाती है नीचे से चिक्की, वैसे बिल्कुल भी नहीं चिपकती और आसानी से निकल आती है। और अब ये ठंडी हो चुकी है तो अब देखें मैं इसके पीसेस कर रही हूँ और ये कितनी जल्दी और आसानी से हो रहे हैं। और अब मैं इसको बस डिश आउट कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।